कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी लगातार अपने देहरादून के केम कार्यालय में फरियादियों का सुन रहे हैं समस्या और उन समस्याओं को मंत्री तत्काल विभागों को निस्तारण करने के लिए निर्देशित भी करते हैं। मंत्री बीते दिनों भारी बारिश के कारण आपदा ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा भी किया और आपदा प्रभावित परिवार व पीड़ितों को अपने व अपने सरकार के माध्यम से सहायता व मदद करते हुए नजर आए। मंत्री गणेश जोशी भाजपा सरकार के पहले एक ऐसे मंत्री हैं जो निरंतर जनता की सेवा में समर्पित दिखाई देते हैं और इसी लोकप्रियता के बदौलत मंत्री जोशी का नाम हर जुमा पर है। श्रमिक मंच संवाददाता आलोक शर्मा की एक खास रिपोर्ट। लोगों के समस्या निकल कर आ रही, किस तरीके से फरियादी आते हैं, समस्या के समाधान की बात करें तो किस तरीके से हो रही है? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे विधायक हों, चाहे मंत्री हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हों, लगातार जनता के बीच में रहकर जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, उनका निदान करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जनता दरबार भी है, मेरे यहाँ पर दो दरबार लगता है। कुछ चीज़ें यहीं पर बैठ के हल हो जाती हैं फोन के द्वारा, और कई चीज़ों के लिए व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करने के लिए मौके पर जाना पड़ता है। कल मैं सबसे पहले कल गजवाड़ी गजियावाला गया, उसके बाद मैं कल शहरधारा कालीगढ़ रैनी सारे सब क्षेत्रों का अधिकारी पूरे के निरीक्षण किया और मौके पर ही समाधान करने की बात कही। जिस प्रकार कालीगढ़ के पास पानी की लाइन बह गई है और आज 27 तारीख से पीने का पानी नहीं है, और जब मैं कल वहाँ पर गया तो उसका असर ये हुआ कि आज पानी की पाइप वहाँ पर पहुँच गए, लाइन डालनी शुरू हो गई है। और जब आप लगातार अधिकारियों को इन्वॉल्वमेंट करके इस काम को करते हैं तो उसके परिणाम सामने नजर आते हैं, और इस काम को हमारी सरकार के चाहे मंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे मुख्यमंत्री हों। मंत्री जी, क्या समस्या कम होने को नहीं रही? देखिए, समस्याएँ तो निरंतरता में है। अगर आज एक सड़क बनेगी, कल टूट जाएगी, फिर नहीं बन जाएगी। आज आप एक बल्ब लगाएंगे बर्करी का, LED 6 महीने में ख़राब हो जाएगा। तो समस्याएं तो निरंतरता में रहती हैं, लेकिन समस्याओं का कंटिन्यूटी में समाधान होते रहना चाहिए। सरकार हमारी दिशा में काम कर रही है।